हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एक्यूकेडियम स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान शिक्षा जगत समाचार लेकर के आ गया हूं, जो कि आप देख पा रहे होंगे 27 जुलाई 2019 शनिवार की बड़ी खबरों के साथ। तो देख सकते हो यहां पर आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी, लेवल स्टूडेंट, आंगनबाड़ी, बीएसटीसी, एलडीसी, नई व पुरानी भर्तियों से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। 50 बड़ी खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। डेली ऐसी खबर लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये डेली आपके लिए क्लास लगाई जा रही है दोस्तों। तो चलते हैं पूरी जानकारी देख लेते हैं कौन कौन से आज की आपकी महत्वपूर्ण न्यूज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शिक्षा जगत समाचार राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। तो ये देख सकते हो पहली न्यूज है टैलेंट कंपटीशन का पहला चरण आज। तो टैलेंट कंपटीशन है उसका पहला चरण आज है, अजमेर से बड़ी खबर। अगली खबर है आपके लिए, यहाँ पर देख सकते हो आज का पंचांग वगैरह जो भी आपको देखना है, आज क्या बार है, क्या सब है, तो अगली राशियों वगैरह देखने का है आपको, इसे पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर, तो निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन है अभी अजमेर से भारती फाउंडेशन की ओर से समर्पित राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोराज में। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है आप सभी के लिए विद्यार्थियों की प्रतियोगिता के लिए प्राचार्यों की बैठक आयोजित। विद्यार्थियों की प्रतियोगिता के लिए प्राचार्यों की बैठक आयोजित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लीगल रिपोर्टर अजमेर से बड़ी खबर। अगली खबर है आप सभी के लिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्नोत्तरी में आरएनटी की टीम तीसरे स्थान पर, प्रश्नोत्तरी में आरएनटी की टीम तीसरे स्थान पर, उदयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है पढ़ाई के समय शिक्षकों को कक्ष में बुलाकर करती रहती थी बैठक, प्रधानाध्यापिका एपीओ। बड़ी खबर उदयपुर से, पढ़ाई के समय शिक्षकों को कक्ष में बुलाकर करती रहती थी बैठक, प्रधानाध्यापिका एपीओ, उदयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर आप देख सकते हो यहाँ पर, मॉडल स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करें एडीएम। यहाँ पर देख सकते हो मॉडल स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करें एडीएम, उदयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है विविध सुविधि डीएसडब्ल्यू के वसूली आदेश का छात्र नेताओं ने किया विरोध, छात्र संघ चुनाव में प्रीडेटेड सामग्री बांटने पर दो छात्र नेताओं को थमाए नोटिस, एजुकेशन रिपोर्टर उदयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है आप सभी के लिए, कोर्स पूरा कर ग्रामीण बच्चों ने सीखी अंग्रेजी। तो कोर्स पूरा कर अंग्रेजी सीखी ग्रामीण बच्चों ने, तो यहाँ पर बड़ी खबर थी ये भी आप देख सकते हो उदयपुर से। अगली खबर है केवी में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व का समापन, केवी में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व का समापन, उदयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है लॉ कॉलेज में मॉडल यूनाइटेड नेशन का सेकंड एडमिशन आज से, लॉ कॉलेज में मॉडल यूनाइटेड नेशन का सेकंड एडमिशन आज से शुरू, उदयपुर से बड़ी खबर। सुकाड़िया विश्वविद्यालय के मॉडल यूनाइटेड नेशन का सेकंड एडमिशन लॉ कॉलेज, ये खबर देख सकते हो आप। देखने स्थानांतरण पर लगाए रोक, चिकित्सा विभाग को नोटिस, देख सकते हो यहाँ पर बड़ी खबर। उदयपुर सीएमएचओ को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब करने के आदेश, जोधपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित, बाड़मेर से बड़ी खबर जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अगली खबर है जिला स्तरीय स्काउट गाइड खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी, तो जिला स्तरीय स्काउट गाइड खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी, जालौर से बड़ी खबर। अगली खबर है आप सभी दोस्तों के लिए, शिविर में 60 आशार्थियों का प्रारंभिक चयन, जैसलमेर से खबर। अगली खबर है कई स्कूलों में किया पौधारोपण, तो कई भी स्कूलों में पौधारोपण किया, और इन्होंने देख सकते हो बाड़मेर हमारी विधानसभा हरित विधानसभा के तहत कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के पर्यावरण के प्रति जागरूकता के संदेश। अगली खबर है स्कूलों में बच्चों ने के लगाए टीके, तो स्कूलों में बच्चों के लगाए टीके, वीरामी से बड़ी खबर। अगली खबर है छात्रित्व की मांग को लेकर प्रदर्शन, छात्रित्व की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन, जोधपुर से बड़ी खबर। विद्यार्थियों को समझाई ऑनलाइन प्रक्रिया, विद्यार्थियों को समझाई ऑनलाइन प्रक्रिया, जोधपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ यूथ फेस्टिवल संगम 2019 शुरू, विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ यूथ फेस्टिवल संगम 2019 शुरू, तीन दिन तक होंगे कई कार्यक्रम, अंतिम दिन सेलिब्रिटी नाइट का आयोजन, जोधपुर से बड़ी खबर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में। अगली खबर है प्रणाम पत्र व पुरस्कारों का वितरण, जोधपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है इंजीनियरिंग की डिग्री वाले नहीं बन सकते जूनियर इंजीनियर, कोर्ट का आदेश, इलाहाबाद से बड़ी खबर। अगली खबर है कोचिंग का नया जलवा, मोहन शर्मा। अगली खबर है सभी के लिए, जीवन में कठिन परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता, नगर प्रभा टीम जोधपुर से। अगली खबर है बालकों के पौधारोपण के साथ चित्रकला प्रतियोगिता से दिया पर्यावरण बचाने का संदेश, नगर प्रभा टीम का फोटो। अगली खबर है कक्षा कक्ष के अभाव में बरामदा में बैठकर अध्ययन कर रही हैं 3 कक्षाएं, बड़ी खबर।
अगली खबर है आपके लिए, राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर लगेगा अंकुश, बनेगा कानून। तो यहाँ पर नया कानून बनेगा, यहाँ पर बड़ी खबर देख सकते हो आप। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, प्रदेश की वंचित 661 पंचायतों में अब खुलेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय। जिनमें अभी तक 661 पंचायतें उनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था, उसमें विद्यालय खुलेगा। विशेष संवाददाता बीकानेर से बड़ी खबर, प्रस्ताव मिलाने पर लानी होगी सूचना। अगली खबर है, मदरसा पैरा टीचर्स ने मांगी भीख। मदरसा पैरा टीचर ने मांगी भीख, लगातार पाँचवें दिन धरना जारी, जोधपुर की बड़ी खबर। अगली खबर है, सर्वदेव विचार परीक्षाओं के प्रमाण पत्र व पुरस्कारों का वितरण, जोधपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है, कामयाबी, 12.66 लाख नए रोजगारों का हुआ सृजन, बड़ी खबर। बेरोजगारी से परेशान लोगों को मिल रही मदद, बढ़ रहे रोजगार के अवसर, वेतन पाने में जुटे 1.49 करोड़ नए लोग, वाराणसी एजेंसी से बड़ी खबर, जो कि आप देख सकते हो। अगली खबर है, यूजी पूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन, तिथि एक दिन बढ़ाई, आज अंतिम मौका, मध्य रात्रि तक कर सकेंगे आवेदन, जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है, आप सभी के लिए, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो तो परीक्षार्थियों को 3 बार मौका देगा CBSE। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो तो परीक्षार्थियों को 3 बार मौका देगा CBSE। उत्तर पुस्तिका भी CBSE से मंगवा कर देख सकेंगे विद्यार्थी, आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू, जयपुर न्यूज टुडे से बड़ी खबर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अगली खबर है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर 12,145 किलो के भवन खाली, काम में आ रहे सिर्फ 1,322 ही, जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है आपके लिए, यही ये है स्थिति, तो आपको और भी जानकारी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, LDC से संबंधित यानी कि RSMS से LDBC भर्ती दूसरे चरण की परीक्षा, 3 से 4 भागों में दक्षता परीक्षा, हर भाग के लिए मिलेंगे 10 मिनट। और दोस्तों, कल HM की जो भर्ती थी उसकी वहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया की यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी दे दी गई है उनके लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ BST से संबंधित भी देख सकते हो आप, आपका यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट 1/8/2019 को जारी होगी और 30 तारीख तक आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और जो HM की न्यूज है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, HM वाले जितने विद्यार्थी है वो, और AEN की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई, उनकी अक्टूबर में परीक्षा है। तो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, तो वो आपको देख लेनी है। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।